बचा लीजिए, मुझे उस टाइगर के साथ नहीं रहना है। और जेठा जी, इस पूरी सोसाइटी में एक आप ही वो एक इंसान हो जिसके ऊपर मैं पूरी दिलो जान से भरोसा कर सकती हूँ जेठा जी। ठीक है बबीता जी, बोलिए बोलिए क्या करूँ अय्यर के साथ। कुछ भी कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे उसके साथ नहीं रहना है जेठा जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि खुद जेठा लाल ऐसा है तो उसका बेटा कैसा होगा, आप खुद ही देख लीजिए। टप्पू बेटा, सुबह से मैं भी तुझे ढूंढ रहा हूँ। तू भी सोनू से राखी बंधवा ले। नहीं। क्यों? क्योंकि सोनू टप्पू की फ्रेंड है और टप्पू से राखी नहीं बंधवाएगी। नहीं टप्पू, हम फ्रेंड्स नहीं है। What's up, पेरन? आज हम देखने जा रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, ये मेरा फेवरेट शो है जो कि मैं फिफ्थ क्लास से देखता हुआ आ रहा हूँ। आज हम पूरी सोसाइटी के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं, मेरे फेवरेट जेठालाल और उनकी क्रश बबीता जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जेठालाल की शादी हो चुकी है, मगर नहीं, एक से थोड़ा ना काम चलता है, हमें तो दूसरी चाहिए। इसलिए वो जब देखो तब बबीता जी पर लाइन नहीं फ्लर्ट करता रहता है। बबीता जी भी एकदम शातिर, उन्हें ही पता है कि भाई ये लाइन मार रहा है, मगर नहीं, कर भी क्या सकती है वो, कुछ बोल भी तो नहीं सकती। आप बोलोगे क्यों, अब बस उनके पति को देख लो उसके बाद बोलूंगी। देख लिया, उनका पति बस नाम के लिए पति है और कुछ करता तो है नहीं। जब देखो तब जेठालाल उसकी लेते रहता है और हम आज बस यही देखने जा रहे हैं कि कैसे जेठालाल बबीता जी से फ्लर्ट करता रहता है। एक मिनट जेठालाल, फिर फाइनली तुम किसकी टीम में हो भाई, बताओ यार। मुंबई इंडियंस या कोलकाता नाइट राइडर्स? मुंबई नाइट राइडर्स। Too many customers। ये होता है जब आपके क्रश कोलकाता की और आप मुंबई इंडियंस के फैन, तब मुंबई नाइट राइडर्स। मेरे साथ भी होता है ऐसा ही, मेरी क्रश कोलकाता और मैं मुंबई इंडियंस का फैन, इसीलिए जेठालाल और मैं बहुत सिमिलर है, मेरा फेवरेट है जेठालाल इसीलिए। तुम दिल से कह रहा हूँ। कौन सी बात बताइए ना। यही कि आज आप सच बता रहा हूँ, एकदम आप आज आइटम लग रहे जी। आई ना निकल के, मालूम ही था इसके अंदर ठरक है, देखा नहीं गोरी लड़की को, आइटम बोल रहे। ये बहुत से लोगों के मन में रहता है अपनी क्रश को आइटम बोलने, मगर बोल नहीं पता, मगर जेठालाल है उसके अंदर हिम्मत, वो बोलेगा अपनी क्रश को आइटम। जेठालाल सैल्यूट, सैल्यूट टू यू। जेठालाल डिपेंडेंट मतलब दिलबर, निर्भर है, हम लोग मोबाइल पे कितना निर्भर है। ओके, तो फिर दिलबर मतलब बबीता जी। बबीता जी, दिलबर बोले तो बबीता जी, हम तो समझ रहे थे दिलबर वो तो नोरा फतेह, मगर नहीं, दिलवर मतलब बबीता जी। अय्यर की जो जली ना अंदर से जब बबीता जी बोला, शकल शकल काले से पीली हो गई इसकी शकल देखकर तो। हाँ मगर दिखती तो है वैसे थोड़ी थोड़ी नूर फतेह जैसी। ये कौन? ये कौन है? ये वो हमारा बेटा। आए हाय हाय, बबीता जी को देखा कि नहीं, बेटा भी, ये कब हुआ भाई, उसके फेस में देख रहे हो मुस्कान, जब वो बोल रहा है हमारा बेटा, आए हाय जेठालाल दिल जीत गया भाई, तू बहुत से लोगों का इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन। मेरी खाबों में जो बबीता जी, आपके खाबों का तो नहीं पता, मगर जेठालाल के खाबों में तो पक्की बात आप ही आते हो। उसकी
शक्ल देख रहे हो, जब वो गा रही है मेरे ख्वाबों में जो है उसकी शक्ल लाए हाय हाय, पूरा उसकी मुस्कान की चमक भाई ख्वाबों में जब आए हाय हाय हाय। और अय्यर की जो जल रही है ना उसको देख कर वो अलग भाई। भीरे जी बोलिए ना, आप ना क्यों बोल रहे हैं? क्या भाई है, बबीता जी पूछ रही है, क्या ऐसे ऐसे करके खड़ा क्या, जवाब दे बबीता जी। भिंडी मास्टर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, जेठालाल के ऊपर तू सीटी कैसे मार सकता है, तेरी सीटी निकाल के फेंक देगा जेठालाल, समझ आ रहा है ना भीड़े तुमने। ए चुप रह, मजा आया ना यार, मजा आ गया ना यार। अरे बबीता जी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह। ये क्या रसगुल्ला? ओहो किस खुशी में, कल टप्पू से ने टीवी पर आई ना, तो इस खुशी में मैंने अपने हाथों से रसगुल्ला बनाए हैं। अच्छा तो फिर तो आपका खिलाना भी अपने हाथों से ही पड़ेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आ तो खिलाइए। कहाँ है टप्पू? ओ भाई मारो मारो भाई, नाटी जेठा लाला। और बबीता जी उससे भी चतुर भाई, उसको खिला ही नहीं बेचारा जेठा लाल, जेठा लाल के जो दिल पे लगी ना भाई आई हाय हाय। मगर जो भी है भाई मजा आ गया जेठा लाल के भाई। गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे बेस्ट जोड़ी रोशन और रोशन की है। हाँ हाँ सही बोला, रोशन एंड रोशन, नाम भी दोनों का रोशन एंड रोशन है पंजाबी। सबसे बेस्ट जोड़ी हमारी है। हाँ भाई हाथी और हाथी, दोनों हाथी एकदम बेस्ट, मेड फॉर ईच अदर जोड़ी आपकी तो भाई। नहीं नहीं है बिल्कुल अमान्य है। हाँ बोलिए ना, सबसे बेस्ट जोड़ी हमारी है। मेरी माँ कहती है कि सबसे अच्छी जोड़ी हमारी है, राधा और कृष्ण की जोड़ी। राधा और कृष्ण का नहीं पता, मगर जलेबी और फाफड़ा तो बड़े अच्छे लग रहे हो। चलो मान भी लिया, अगर वो राधा है दया बेन तो ये कृष्ण कैसे हो गया, मोटा कृष्ण कब से होने लग गया। नहीं सबसे बेस्ट जोड़ी तो अय्यर भाई, मजाक ले। म्यूजिक सही बोला अय्यर भाई, मजाक नहीं, नहीं चाहिए ऐसे भाई। आप रात बबीता जी दिन, बेस्ट जोड़ी इन द वर्ल्ड। पूरी कर फिर अपनी शादी के बारे में सोचना। अरे पापा मैं मेरी नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। अरे हमारी शादी की सालगिरह के बारे में तूने क्या सोच के रखा है? आपके शादी के 25 साल पूरे होंगे ना, तो हम आपकी फिर से शादी करवाएंगे। किससे? बबीता जी से और किससे? नॉटी जेठा लाल, कितना नॉटी है, एक शादी हो चुकी बच्चा है, मगर नहीं हमारे भाई साहब को तो दूसरा शादी करना है, और वो भी ऐसे वैसे से नहीं बबीता जी से। आए हाय हम लोग जरा मूवी देखने जा रहे हैं। पिक्चर जी? कौन सा? घर वाली से अच्छे बाहर वाली। आपने तो मेरे दिल की बात जी। आपने तो ये दिल की बात कह दी, घर वाली तो पसंद ही नहीं है जेठालाल को, बाहर वाली अच्छी है। मतलब मैंने भी वो पिक्चर नहीं देखा है, चलो मैं भी चलता हूँ। क्या बात कर रहा, 100 बार तो देख ही चुकी होगी अब तक तो, अंदर घर वाली बाहर वाली डेली तो देख ही रहा तू। लेकिन जेठालाल हमारे पास में सिर्फ 2 ही टिकट हैं। अच्छा तो भी आप क्या करें भाई, अलग ही भाई, सही बोल रहा है यार। तू क्या करेगा उनके साथ जाकर, तू जा घर में जा अपना देख, तू उनको जाने दे, उनको देखने है भाई घर वाली बाहर वाली, तो यार घर वाला नहीं है बाहर वाला नहीं है। नहीं नहीं सिंगिंग कंपटीशन भाई, मैं तो कहता हूँ डांस कंपटीशन रखते हैं, क्या बोलते हैं बबीता? हाँ भाई इसे तो भाई बबीता जी से डांस जो करना है भाई, मिलता ही एक मौका है, एक मौके पे चौका नहीं मारे कैसे भाई। भाई उसके चेहरे पर देख सकते हो साफ साफ, कुत्ते की तरह नाच रहा है भाई, एक ही तो मौका है दूसरा कहाँ मिलेगा। बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। बबीता छोटी छोटी बातों में गुस्सा करती है। बबीता आप समझने की कोशिश करो। लिसन बेटा जी, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, वन थिंग इज डिसाइडेड, आई डोंट वांट टू स्टे विद यू, ओके? मुझे डिवोर्स चाहिए।
जो खुशी की लहर है ना भाई, जो उसने बोला आई वॉन्ट डिवोर्स करके, ये जेठा लाल के भाई एक तरफा प्यार दो तरफा होने जा रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप बबीता जी? एक तरफ नहीं नहीं बोल रहा, एक तरफ हाँ हाँ करो करो मैं आपके साथ हूँ, ये खुशी की लहर जेठा लाल नटी। मैं सुनाता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक बबीता। वो कर भी कह सकता है, दिल में एक को रख कर, जुबा पे एक को रख कर, शायरी में भी बबीता भाई, और अय्यर की जो भाई जली ना वहां पर, मजा ही आ गया एकदम। भाभी बाकी है। अरे जरा जोरदार तालियां। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए। ओह क्या बात है जेठा भाई। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए जैसे बाजरे के खेत में सांड घुसाए। ओ भाई दया भाभी तो अलग ही भाई, सांड कह दी उसको। आप मेरे दिल में यूं समाए जैसे बाजरे के खेत में सांड घुसाए। अलग भाई। ये सारे मेरे कमीनों दोस्तों के लिए जो भाई मेरी बहुत लेते हैं, उन सब के लिए ये एक शायरी। जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है यारों की, एक दोस्त चाहिए आपके जैसा। थैंक यू। एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो वाट लगाए हजारों की। और जय जयते बस एक वीडियो दिखा दूंगा आपके लिए ये बोनस। अरे भाई साहब जरा बात करेंगे। और कौन है? मेरी बीवी आपसे बात करना चाहती है। कौन? बबीता जी। बबीता जी प्यार की राह में चलना। मैं ट्राई करता है। हाँ बोलो बोलो, हूँ तने प्रेम करो छू बबीता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो भी जरूर आएगा, बस आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय।